हूँ, कैसे हैं आप सब। मैं रवि जमना स्वागत करता हूँ आप सबका कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, इग्नू के लिए हमारी जो है वो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और वन बाय वन करके मैं अल्टरनेटिव डेज पे अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास जो है वो कंडक्ट कर रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं वो कवर करे हैं एक एक करके। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास जो करेंगे वो होगी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, आज जो क्लास होगी वो होगी भाई कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हम लास्ट रिमाइंड करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉस्ट के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताया था। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके थे। आज मैं आपको लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, कॉस्ट शीट। ठीक है, आज मैं क्या करवाऊंगा, कॉस्ट शीट। ठीक है, उससे पहले आप जान लीजिए एक आपका वर्ड यूज होता है कॉस्ट सेंटर। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा था। अब हम करेंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट पर यूनिट। देखो भाई, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, सेंटर का मतलब होता है कोई भी लोकेशन। ठीक है, तो वो लोकेशन जहाँ पर हम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। जैसे आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपकी जो फैक्ट्री है वो आपका क्या है, कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, क्योंकि वहाँ से हम लोग प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालते हैं। हमें ये पता लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में कितना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आई, वो सारी कॉस्ट हमें जो है वो पता लगती रहती है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है भाई, कॉस्ट सेंटर। इसके अलावा दो एक और टर्म आपकी थी, वो होते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है जब आप टोटल कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट में से ईच यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट में से ईच यूनिट की जब कॉस्ट आप फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, मतलब हर एक आइटम की हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। ठीक है, जब आप कॉस्ट शीट भी बनाते हैं तो कॉस्ट शीट के अंदर भी आप टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, यह भी मैं सिखाऊंगा आपको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को देखते हैं अभी। ठीक है, कॉस्ट शीट देखिए एक बार, आपकी स्क्रीन के ऊपर है कॉस्ट शीट। ठीक है, एक बार आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार मैं हट जाता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपकी होती है भाई कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट में हमें ये सब देखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया एक बार आपका, तो अब देखते हैं क्या लिखना होता है, क्या क्या इसमें आइटम है जो आएंगी। सबसे पहले हम जो है फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट के अंदर कॉस्ट शीट लिखा जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर लिखेंगे और कॉलम बनाएंगे टोटल कॉस्ट का। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट ये वाला कॉलम आपका बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इस टोटल कॉस्ट में से पर यूनिट कॉस्ट भी जो है वो निकालेंगे। ठीक है, कॉस्ट शीट में ही हमें निकालना होता है। आपको इन सारी आइटम को एक बार आपको रिमाइंड करना पड़ेगा ताकि कॉस्ट शीट का क्वेश्चन जब आए तो इन सारी आइटम को पता हो कि ये आपकी प्राइम कॉस्ट है, ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है, ये आपकी वर्क कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है। तो इसके लिए आपको इन सारी आइटम को आपके माइंड में रखना होगा। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो आपके पास आता है रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल कौन सा, ओपनिंग स्टॉक का, यानी जो प्रीवियस हमारे पास पड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। सबसे पहले हमें ओपनिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसकी आइटम हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसको हम इस आइटम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंस है उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। तो उसमें आपके कैरिज इनवर्ड ये आ जाता है, उसको आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जो आपका ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दे रखा है उसमें आप रॉ मटेरियल परचेज को ऐड करोगे,
कैरिज इनवर्ड ये आप ऐड करोगे एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसमें से लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, उसको आप क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर कोई मटेरियल रिटर्न है, यानी हमें कोई भी मटेरियल वापस कर दी है, ठीक है, कंपनी को, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर लेस करते हैं, ठीक है। मटेरियल रिटर्न करने को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। जब आप ये सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ये वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेबर एंड एक्सपेंस ये हमारे ऐड होते हैं, उसमें भी आपका डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड आता है, यानी जितना आपका प्रोडक्शन का खर्चा है वो कॉस्ट इसमें आ जाती है अभी, ठीक है। तो ये आपका प्राइम कॉस्ट यहाँ से हमारा निकल जाएगा। उसके बाद आप इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क एक्सपेंस, वर्क ऑन कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड के जो भी एक्सपेंस है वो आप इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इसे आप ऐड करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, जो ओपनिंग स्टॉक है उसे ऐड करते हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस करते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर देंगे, ठीक है। उसमें से आप सैलवेज वैल्यू को माइनस करेंगे, सेल की जो सैलवेज वैल्यू होती है, ठीक है, जिसे आप स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपने ये टर्म सुनी होगी, स्क्रैप वैल्यू, वो वैल्यू आप यहाँ पर लेस करते हैं तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, वर्क कॉस्ट या आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस एंड आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जैसे आपका ऑफिस का जो भी खर्चा है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, वो सारे एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो कॉस्ट आएगी वो होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फिनिश गुड्स, कौन सी गुड्स आती है, फिनिश गुड, जिसमें आपका ओपनिंग बैलेंस ऐड हो जाएगा सेम मैनर है और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, क्या निकल कर आता है, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपेंसेस आते हैं वो होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग के एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस आपके आते हैं, उनको आप इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी टोटल कॉस्ट या आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल या आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसमें आप प्रॉफिट को ऐड करोगे और लॉस को माइनस कर दोगे तो हमारे पास नेट सेल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, नेट सेल की वैल्यू आ जाती है भाई। तो भाई आपको समझ आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हमने ऐड करा तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ द सेल एंड टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक है, जिसमें हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, प्रॉफिट का आपका पॉजिटिव बैलेंस होता है और लॉस का हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आइए हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है, टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सकते हैं, कैसे, हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं उसके हम उसके हिसाब से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कॉस्ट शीट के बारे में, तो आज की क्लास इतने ही रखते हैं, हमने सिर्फ कॉस्ट शीट को पढ़ना था और वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही कंबाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो देख सकते हो, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।